नमस्कार वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूं विकास नांगिया दोस्तों दिसंबर के महीने की शुरुआत से हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो जाती है और जब बात हॉलिडे सीजन की होती है तो दिल करता है कि आप ये छुट्टियों का मौसम जो है अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मित्रों के साथ रिश्तेदारों के साथ बैठें और खाएं पिए मौज मस्ती करें जब बात खाने पीने की होती है तो खुद ब खुद आप डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हैं सोचते हैं कि क्यों ना यही वो जगह है जहाँ सब इकट्ठे बैठे खाए पिए और परिवार में प्रेम बढ़े आज हम वास्तु लिविंग में डाइनिंग टेबल पर बातचीत करेंगे हम अपनी वास्तु और फंक्शनल कंसल्टेंट से जानना चाहेंगे कि डाइनिंग का जब डाइनिंग टेबल का सिलेक्शन करें तो किस तरह की डाइनिंग टेबल होनी चाहिए पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आज का जो विषय है हॉलीडे सीजन की ओर इशारा करता है और ये जो डाइनिंग टेबल जो है मैं कहूं कि थैंक्स गिविंग्स पर हमारे दिमाग में ये विषय था और दर्शकों की ईमेल्स भी आई कि डाइनिंग टेबल पे बात हो के किस तरह की डाइनिंग टेबल होनी चाहिए किस दिशा में रखनी चाहिए आ, उसके बारे में कुछ बताइए ज्यादातर यूएस के अंदर डाइनिंग टेबल के लिए दो दिशाएं उपयुक्त मानी जाती है कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार डाइनिंग टेबल एक तो फॉर्मल डाइनिंग में होता है और दूसरा एक ब्रेकफास्ट एरिया में बनाया जाता है जी। कई बार नए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो आयल होती है किचन की उसके अंदर भी ब्रेकफास्ट एरिया जैसा बनाया जा दिया जाता है अगर स्पेस कम हो तो उनके शेप की ढंग से होने चाहिए बहुत तरह की मान्यता है कि कुछ मटेरियल के डाइनिंग टेबल वास्तु में अलाउड है कि नहीं है इस तरह के सवाल कई बार सेमिनार वगैरह में भी पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर वास्तु के अंदर फॉर्मल डाइनिंग के अंदर जो डाइनिंग टेबल यूज़ किया जाता है वो बड़ा होने के साथ साथ उसको वुड का अच्छा माना जाता है उसमें वुड से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन पैटर्नस आप यूज़ कर सकते हो और रेक्टेंगुलर uh, शेप के अंदर और ओवल शेप के अंदर वो डाइनिंग टेबल को अच्छा माना जाता है hmm. किसी भी जगह पे अगर आप फॉर्मल डाइनिंग के बारे में बात करो तो वहाँ पे मेटल ज़्यादातर ग्लास टेबल और ज़्यादातर राउंड शेप के टेबल हेक्सागोन से रिलेटेड कॉर्नर्स जिसके बनते उस तरह के टेबल वैसे वास्तु में फॉर्मल लिविंग में अलाउड नहीं किए जाते hmm. फॉर्मल डाइनिंग और फॉर्मल लिविंग दोनों के आसपास के सिमेट्रिकल लुक इस ढंग के हैं कि फॉर्मल लिविंग आपने सबसे सुंदर सजावट और अपना न्यूट्रल किया है चाहे किसी भी रिलीजन के हो वैसे ही फॉर्मल डाइनिंग भी आपका एकदम न्यूट्रल ही होना चाहिए और इसमें ज्यादातर टेबल वुड के बहुत अच्छे माने जाते हैं जी यहीं पर ये सवाल जो था कि जिस तरह से आपने ग्लास टेबल के बारे में इशारा किया या रेक्टेंगुलर शेप के बारे में बात करी शेप्स के ऊपर हम पहले फोकस करते हैं फिर मटेरियल पर जाएंगे शेप्स जो हैं लोग जो आजकल मैंने देखा कि राउंड टेबल जो है डाइनिंग टेबल की भी होती है ओवल आपने कहा रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है ये शेप्स जो हैं महज फैंसी तो हैं लेकिन वास्तु में उनकी क्या क्या मान्यता है कई बार ऐसे कहते हैं कि राउंड टेबल नहीं होनी चाहिए क्या उस बात को आप आ, वास्तु भी उस उससे इतफाक़ रखता है क्या ये बात बिल्कुल सही है और वास्तुशास्त्र की ही ये लाइन है जो कि पॉपुलर है कि ज़्यादातर घर के अंदर राउंड डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए और उसकी वजह भी बताई गई है कि अगर राउंड डाइनिंग टेबल है तो उस घर के अंदर परिवार उस टेबल पे बैठ के ज़्यादातर एक साथ मिलकर खाना नहीं खा पाता तो इसका दूसरा साइन ये होता है कि परिवार बिखर जाता है या उसके अंदर आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बट जब फॉर्मल डाइनिंग के बारे में बात की जाए तो जो ऑस्पीसीस रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार रेक्टेंगुलर शेप जिसके कोई भी टेबल के कॉर्नर्स कटे हुए ना हो अगर आप सिक्स सीट या बारह सीट का टेबल लेते हो जिस तरह का भी घर में फैमिली माहौल हो लेकिन टेबल का जो शेप होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए अभी फॉर्मल डाइनिंग के लिए दो तीन तरह के टेबल मार्केट में अवेलेबल है एक टेबल ऐसी होती है जिसमें आप एडजस्टेबल होती है जब मर्जी आप चाहो तो उसको छोटी बड़ी कर सकते हो अगर आपके पास घर के लोग कम है तो उस वक्त आप उसको छट कर दो फिर अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उसको बारह सीट का कर दो जी। तो ये एडजस्टमेंट वाले टेबल बनाने के लिए टेबल के अंदर एक कट होता है जिसकी वजह से टेबल आपका बड़ा हो जाता है या टेबल आपका छोटा हो जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार फॉर्मल डाइनिंग की टेबल जो होती है वो पूरी होनी चाहिए चाहे आप जो मर्जी लेना चाहो छोटी या बड़ी लेकिन वो टेबल कटनी नहीं चाहिए उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं Division कर सकते डिवीजन नहीं, नहीं होना चाहिए तो इस तरह की टेबल कंप्लीट होनी चाहिए उसका शेप जो होता है वो पूरा जो उसके कॉर्नर्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हो या आपने हेक्सागोन फॉर्म में या ओवल uh, शॉप में लिया हो लेकिन चार कॉर्नर्स जो होते हैं वो ऐसे राउंड शेप में होने चाहिए वो कॉर्नर्स पॉइंटेड शार्प या बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए सो फॉर्मल डाइनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे उपयुक्त शेप वुडन शेप के अंदर और सबसे आइडियल ये है कि टेबल पूरा कंप्लीट हो अभी नए ट्रेड के अंदर चेयरों की सजावट के अंदर अलग अलग कलर की चेयर एक साथ एक ही टेबल पे रखने का ट्रेड शुरू हो गया है कि आपने टेबल के कुछ हिस्से में कभी आपने रेड या ब्लू रखा या कभी आपने क्रीम या रेड रखा या फिर आपने राइट लेफ्ट अलग, अलग अलग तरह की टेबल रखी जी। अभी अभी हमने एक सैन फ्रांसिस्को में मैंने एक घर खत्म किया है उन्होंने सजावट इस ढंग से की है कि उन्होंने एक साइड पे लो सीटिंग सिस्टम बनाया है यानी कि वहां पे चेयर नहीं है सिर्फ एक ऐसा बैठने का अरेंजमेंट टेबल के ऊपर कर दिया है और एक साइड पे उन्होंने सिर्फ चेयर रखी है जी यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो फॉर्मल डाइनिंग के अंदर एक दिशा में जो लोग बैठते हैं उनके पीछे बैक के पीछे सपोर्ट है अच्छी सी चेयर है वो लोग पूरी हाइट के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में जो बैठे हैं अगर घर के बच्चे बैठते हैं हमेशा तो ठीक है लेकिन फॉर्मल डाइनिंग में तो गेस्ट भी रहते हैं जी। तो जब कभी लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे उनको दूसरी दिशा में बैठना होता है तो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट की स्टाइल ऐसी है कि वहां पे बैठा हुआ आदमी बहुत लो सीटिंग अरेंजमेंट में लगता है तो दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में नई नई तरह के फर्नीचर के अंदर नई नई स्टाइलें आ रही है लेकिन स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई मतलब बनता हो अगर साथ में रहकर खाने खाने का मतलब होता है कि साथ में बैठे हुए भी तो होने चाहिए तब जाके आप साथ में खाना कांटेक्ट लेवल भी बराबर का होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल नहीं मानी जाती है आप चाहे डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह लो सीटिंग सिस्टम में लो या हाई बैक में लो लेकिन वो एक जैसी होनी चाहिए उसमें आप कलर चेंज जरूर कर सकते हो कि आपने क्रीम या बेज लिया या बेज और आपने रेड लिया या आपने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया तो फिर आप वो सारी चेयर के साथ वो कलर्स को एकदम आइडियली आप घुमा के इक्वल कलर्स में उसको डिवाइड कर सकते हो जी। तो टेबल का शेप इक्वल होना चाहिए रेक्टेंगुलर होना चाहिए टेबल पूरा होना चाहिए ज़्यादातर वुड का होना चाहिए और फॉर्मल डाइनिंग के अंदर मैक्सिमम वुडन का डेकोरेशन होना चाहिए ज़्यादातर वहाँ पे मेटल की चीज़ें बहुत ही कम होनी चाहिए जी दर्शको तो पल्लवी जी की ओर से बहुत अच्छे सुझाव आए कि डाइनिंग टेबल का रख रखाव खासतौर पर फॉर्मल डाइनिंग एरिया में किस तरह का होना चाहिए गौरतलब है कि इस बीच हमने मार्केट में पाया शोरूम्स फर्नीचर शोरूम में पाया कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डाइनिंग टेबल के टॉप्स होते हैं वो हो सकता है कि ग्लास का हो, हो सकता है आजकल ग्रेनाइट स्टोन के भी टॉप आने लगे डाइनिंग टेबल के ऊपर उस पर बातचीत होगी कि यदि ग्रेनाइट टेबल के टॉप होने चाहिए तो किस किस कलर के होने चाहिए किस कलर के नहीं होने चाहिए इस पर चर्चा होगी लेकिन एक छोरे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं देखते रहिए वास्तवल